खबरों के बाद अब आपको सीधा ले चलते हैं पंजाब विधानसभा। नशाखोरी, राज सरकार एक प्रभावशाली तरीके नाल नशाखोरी नूं खत्म करन विच वचनबद्ध है। राज विच कैंसर अते नशाखोरी दे इलाज लई वधिया बुनियादी ढांचे लई राज सरकार ने पंजाब स्टेट कैंसर अते ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट 2013 बनाया है। कैंसर अते नशाखोरी दे इलाज दे बुनियादी ढांचे लई 109 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। राज 25 करोड़ रुपए की लागत नाल बठिंडा, फरीदकोट, पटियाला, जलंधर अते अमृतसर विच 50 बिस्तरियां वाले 5 उत्तम दर्जे दे नशा मुक्ति केंद्रां नूं कार्यशील बनाउण लई प्रक्रिया विच है। इस तों अलावा 20 करोड़ रुपए की लागत नाल जिला हस्पतालां अते 94 उपमंडल हस्पतालां विच 10 बिस्तरियां वाले 31 नशा मुक्ति केंद्रां की स्थापना की जा रही है। सरकार की हुण 100 करोड़ रुपए की लागत नाल हरेक जिले विच सुधार केंद्र स्थापित करन दी तजवीज़ है। इस समस्या नाल निजिठण लई राज हेठ लिखे नुक्तियां द्वारा एक सुहिरद पहुँच अपनाउण दा मंतव रखदा है। गैर कानूनी नशे अते छोटी उम्रे शराब अते तंबाकू की वरतों नूं रोकण लई नौजवानां दी सहायता लई मापिआं जां होर देखभाल करन वालिआं, अध्यापकां, कोचां, धार्मिक आगूआं, सेहत माहरां अते कारोबार अते कम्यूनिटी आगूआं नूं सिक्ख्या देणी, नौजवानों विच ड्रग शराब अते तंबाकू के खतरिया नाल निजिठण लई प्रभावशाली प्रचार अते जनतक संचार प्रोग्राम चलाउणे, नशियां दे प्रभावशाली कारगर अते किफायती इलाज नूं विकसित करना अते सहायता देना, नशाखोरी विच उभर रहे नौजवान रुझानां नूं रोकण लई सुचारू प्रणाली दे विकास नूं यकीनी बनाउणा, नशे नाल संबंधित हिंसा नाल निजिठण लई कानूनी तामील नूं मजबूत करना, नशियां दी सप्लाई करन वालियां संस्थावां नूं खत्म करके अते गैर कानूनी ड्रग माफिया दे समगरां नूं गिरफ्तार करना। सानूं विश्वास है कि आउण वाले 2 सालां विच असीं इस नशियां दे कोड़ नूं अपने राज विचों पूरी तरह खत्म कर देंगे। माननीय स्पीकर साहब, मैं हुण इस अजीम सदन दे सामने वित्तीय साल 2014-15 लई बजट अनुमान पेश करदा हाँ जो कि हेठ लिखे अनुसार हैं। साल 2014-15 लई कुल बजट आकार 73,593 करोड़ रुपए, हालांकि वास्तविक बजट का आकार 58,593 करोड़ रुपए है, क्यों जो उक्त रतम विच मौजूदा साल के उपा अते साधना प्रति 15,000 करोड़ रुपए का बजट उपंत शामिल है। साल का आरंभ 267 करोड़ रुपए के सकारात्मक बकाए तो हुंदा है। कुल प्राप्तियां 56,752 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। साल 2014-15 के अंत अते अंतम बकाया 227 करोड़ रुपए होगा। इसका वेरवा हेठ लिखे अनुसार है। माननीय स्पीकर साहब, श्रीमान जी, मैं अपने दिल दियां गहराइयां विचों साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल अते साडे बहुत ही कर्मशील माणयोग उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल जी दा उन्हां वल्लों दित्ती गई योग अगवाई अते वडमुल्ले सहयोग लई तहे दिलों शुक्रिया करदा हां।